मारवाड़े आमची जी समस्या होती आम्ही या शिबिरमध्ये आलो आमची समस्या दूर झाली त्याबद्दल सगळ्यांचे आभारी आहे धन्यवाद आहे थँक्यू। क्या मतलब आपकी क्या प्रॉब्लम थी और यहाँ पर किस तरह का मतलब आप लोगों को ट्रीटमेंट दिया यानी किस सुविधा? प्रॉब्लम हमारी ये थी कि बहुत पहले अब्बू का 500 रुपये का कुछ इशू था नहीं भरे तो उसका 29,000 हो गया है। तो ये हुआ कि यहाँ आएंगे इंटरेस्ट और ब्याज जो भी है माफ़ करेंगे, तो सर बोले अभी इसकी कोई स्कीम नहीं है, अब तो 6 वो 2 महीने बाद निकलेगी तो हम तुमको कोऑपरेट करते हैं। आपको यहाँ पर जानकारी किसी तरह का मतलब सुविधा अच्छी मिलने के लिए? हाँ सुझाव दिए, बोले अगर तुमको ये पे करना है तो 6 हिस्से में कर देंगे, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में भरो, और नहीं भरना है तो थोड़ा वेट करो स्कीम आएगी उसमें तुम्हारा काफ़ी पैसा बच जाएगा। आप लोग आपको संतुष्टि मिली है? हाँ ये कि थोड़ा मिली है सुकून मिला है, नहीं तो अब्बू क्या है बहुत टेंशन में थे, बोले मेरे ऊपर एक किस्म का कर्जा है ना ये, अब ये ऐसे इंस्टॉलमेंट से बोले तो मोली रहने दो रुक जाते हैं। मतलब इनकी योजना में आपका पैसा माफ़ कर दिया? हाँ बोल तो रहे माफ़ कर दिया जाएगा, जो तुम्हारा मुद्दल है बोले वो भरना पड़ेगा, जो ऊपर का लगा है वो स्कीम, हाँ स्कीम में वो माफ़ कर देंगे। हाँ आदाब, आइए बात करते हैं टोरेंट पावर की। भिवंडी शहर में अगर समस्या है तो सिर्फ़ और सिर्फ टोरेंट पावर नेताओं की नज़र में भी और आम इंसान के नज़र में भी। बहरहाल बात करते हैं भिवंडी शहर के गोपाल नगर पाटीदार हाल में संवाद, यानी आइए बात करते हैं आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज हमने कैंप का ये दूसरा दिन है, आज हमने यहाँ कोशिश की यहाँ आने वाले लोगों की समस्याएँ सॉल्व यानी ख़त्म हो रही हैं या नहीं। कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जिनकी समस्याएं सॉल्व नहीं हुई है और ज़्यादातर लोग ऐसे मिले जिनकी समस्याएं सॉल्व भी हुई हैं। बहरहाल टोरेंट पावर का ये जो कदम है, अगर इस तरह भिवंडी शहर के दूसरे इलाकों में भी कैंप लगाए जाएं और लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाए तो कहीं ना कहीं भिवंडी शहर की राजनीति में जिन नेताओं की बीड़ियाँ बुझ चुकी हैं टोरेंट के चक्कर में मोर्चा निकालते हैं तो उनकी राजनीति पर फ़र्क भी पड़ सकता है। बहरहाल जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है कि टोरेंट पावर है रहे ना रहे, नेता रहे ना रहे, वो अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। और इस तरह का जो कदम है भिवंडी शहर में, अगर भिवंडी के कई इलाकों में किया गया तो ज़रूर कहीं ना कहीं इसका एक अच्छा नतीजा निकलने की उम्मीद है। मैं खान फख्र आलम। आज का जिस संवाद है यहाँ पर मीटिंग लगाई गई है पूरा इसका तो जानकारी देंगे कि जिस तरह से टोरेंट के ऊपर लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं, इससे जो संवाद यहाँ मीटिंग संवाद जो कैंप लगाया गया है कैंप का मतलब क्या उद्देश्य क्या होता है? नमस्कार, मैं चेतन बदियानी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर टोरेंट पावर। ये संवाद जो मेगा ग्राहक सेवा शिविर हमने ये लगाया है, पिछले कुछ दिनों से हमको फीडबैक आ रहा है कि ग्राहक सेवा में कंपनी काम कर रही है लेकिन इसमें और थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। लोगों की तरफ से फीडबैक है कि कस्टमर केयर में और सुधार की ज़रूरत है, तो उसी हिस्से लोगों के दरवाजे तक हम जाके उनसे जुड़ सकें, लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकें जहाँ पे वो आके हमारे साथ डिस्कशन कर सके, कोई भी पेंडिंग सब्जेक्ट है उसके बारे में हमारे साथ बातचीत कर सके, उसके लिए ये संवाद का हमने यहाँ पे आयोजन किया हुआ है। क्या क्या बदलाव मतलब जो है मतलब अवेयरनेस के लिए जिस तरह से देखा जाए संवाद किया जा रहा है, उन्हें सबसे अवेयरनेस के लिए यहाँ पर किस तरह का मैसेज दिया जा रहा है क्या है बताइए? देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के हमने बैनर्स रखे हुए हैं, आइए मैं दिखाता हूँ एक बैनर आपको, के लिए लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए कि वो हमसे आके बातचीत कर सके, ये संवाद का आयोजन किया गया है। देखिए एक सबसे कॉमन पॉइंट जो हर मोर्चे में या हर तरफ से लोगों में गलतफहमी उठा के बताया हुआ है कि टोरेंट पावर का रेट सबसे ज़्यादा है। एक सैंपल हमने बनाया हुआ है, इसमें कैसा है कि महावितरण के 3 बिल दिखाए हुए हैं। महावितरण के बिल आप देखेंगे तो बिल्कुल MSEDCL के कंपैरिजन में हमारा बिल सेम दिखेगा आपको। हमने 3 ऑप्शन दिखाए हैं अलग अलग स्लैब के जुलाई के महीने के। ये एक 92 यूनिट का बिल है जो टोरेंट पावर का जुलाई महीने का है, इसका बिल का रकम आप देखिए 730 रुपया है। वही MSEDCL का आप बिल देखेंगे 92 यूनिट का, उसका बिल का रकम भी आप देखेंगे तो 730 यूनिट का, ये जुलाई के महीने का बिल है। ये आप देखेंगे तो कल्याण सब डिविजन का बिल है। वही आप नेक्स्ट स्लैब जो होता है 101 से 300 के स्लैब का एक अगर मैं बिल दिखाऊं तो ये देखिए ये MSEDCL का कोलशेद का यानी थाने का बिल है, इसमें यूनिट आप देखेंगे तो 172 यूनिट चले हुए हैं, बिल की रकम है 1670 रुपये। उसी तरीके से ये बिल टोरेंट पावर का भिवंडी का है, इसके यूनिट आप देखिए 172 यूनिट, बिल की रकम है 1670 रुपये।
जुलाई महीने का बिल है, ये भी जुलाई महीने का बिल है। तो ये एक छोटा सा हमने बनाया है लोगों की समझ के लिए कि भाई एमएससी डीसीएल के और टोरेंट पावर के रेट्स जो है सेम है, उसी टैरिफ से टोरेंट पावर का भिवंडी में बिलिंग होता है और एमएससी डीसीएल के बिल में और टोरेंट पावर के बिल में कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पे लोगों के अवेयरनेस के लिए बैनर्स लगाए गए हैं। जब टैरिफ हाइक हुआ था, जो अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन न्यूज़पेपर में हुए थे उसका दिखाया हुआ है। जून में लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस था कि भाई हमारा बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा है जून में, तो जून में बिल किस वजह से बढ़ के आया था उसके डिटेल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देखेंगे तो देखिए, अप्रैल में गर्मी जो थी उस वजह से लोगों का बढ़ा था, अप्रैल से रेट जो है वो रिविज़न हुआ है। MERC के तब से कुछ क्लेरिफिकेशंस आने थे, तो मई में जो है वो नए रेट से हुआ, लेकिन अप्रैल का पुराने रेट से बिलिंग था, तो जून का जो बिल बना उसमें अप्रैल का रेट डिफरेंस भी लग के आया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, जिस वजह से जून का बिल क्यों बढ़ के आया था। तो इस तरीके से लोगों के अवेयरनेस के लिए यहाँ पे हमने कैंप के साथ में थोड़ा सा अवेयरनेस मटेरियल भी बनाया हुआ कि इस तरीके के कैंप हमारे हर महीने अलग अलग एरियाज़ में अभी लगेंगे। तो आपका अगर कोई भी पेंडिंग सब्जेक्ट है, आप प्लीज़ टोरेंट पावर के संवाद ग्राहक सेवा शिविर में आ सकते हैं और इस कैंप का लाभ लेके आपका अगर कोई पेंडिंग सब्जेक्ट है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सर, जिस तरह से दो दिन से ये कैंप लगाया गया है, इतने अभी तक की टोरेंट पावर पुलिस से जुड़े हुए ग्राहकों ने इसमें सहभागी हुए? कल लगभग 500 कस्टमर्स आके विजिट करके गए हैं, आज भी सुबह से लगभग 300 के आसपास लोग आके गए हैं जो यहाँ पे हमारे शिविर में उनके डिस्कशन करने के बाद सोल्यूशन लेके हमसे गए हैं। देखिए, हम हर एरिया में हर महीने कैंप करेंगे, तो जल्द ही दूसरे एरिया का जैसे ही डिस्कशन होता है, फाइनलाइज होता है कि दूसरा कहाँ करेंगे, हम उसको SMS द्वारे, अलग अलग मीडिया चैनल्स के द्वारे और लोगों को हमारे बैनर्स के द्वारे भी इत्तला कर देंगे। लेकिन ये हर महीने में अभी कस्टमर केयर कैंप, लोगों के दरवाजे तक जाके उनके इंटरेक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म देना, उस लिए ये संवाद का शिविर आयोजन किया गया है। और यहाँ पर आने के बाद किस तरह का ट्रीटमेंट यानी कि सेवा आपको दी गई? नहीं, मेरा जो है विजिलेंस का मामला था, तो मैं यहाँ पे आया तो सर ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और मेरे साथ एकदम कंसेशन किया। अच्छा। जी, मतलब आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार का यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। अच्छा, मतलब सब एकदम अच्छा। आपका नाम क्या है? कलीम मनियार। अच्छा, कहाँ रहते हैं? शांति नगर भिवंडी। द्वारा जो संवाद मीटिंग लगाई गई है, क्या तकलीफ थी आपको और क्या संतुष्टि मिली आपके काम को? एक्चुअली में मेरा एक घर में मीटर लगा था बहुत साल पहले से, करीब 7-8 साल पहले, तो उसमें बिल आ रहा था और पावर उसमें बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ, तो उसके लिए हम सेटलमेंट करने को आए, बिल आ गया है मेरे पास में, तो मेरे को कितना बिल आया क्या वो देखने के लिए भी आया था, तो बिल आया है उसमें 8,000 कुछ रुपये मेरा बिल आया। 15 में मैंने देखा उसमें बिल नहीं था, लेकिन अभी भी उसका बिल देख रहा हूँ तो 8,000 उसका बिल आया, साथ में उसमें ब्याज बढ़ा वो करके, तो मैं मेरे को अभी मेरे ऊपर पैसा बढ़ गया है तो मेरे को उसको सेटलमेंट करना है, तो मैं इसके लिए आया हूँ मैं कैंप में कि इसको क्लियर करें, अपना जो भी हमारा बाकी निकलता है उसको जमा करें। और मैंने जमा किया, उन्होंने दिया मेरे को बिल बना के दिया, जो भी होता है उन्होंने करके दिया और वो मैंने जमा कर दिया। तो आपकी जो तकलीफ थी वो दूर हो गई है कैंप में आने से। मेरा जो भी प्रॉब्लम था, बहुत दिन से मैं ये सोच रहा था ये करूं लेकिन हो नहीं पा रहा था, लेकिन मैं कैंप में आया तो इसके लिए मेरा ये काम सॉल्व हो गया। कितने साल की समस्या? वो बिल तो करीब 2018 से मेरा बिल चालू था और भरा नहीं था मैंने, और वो मिनिमम चार्ज जो भी आ रहा था प्लस ब्याज बढ़ रहा था जो भी है, तो मैं उसको शॉर्ट आउट करने आया और वो मेरा हो गया है और मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ। कहाँ से आए आप? मैं अशोक नगर से। क्या नाम है? अजय गुप्ता। अजय,